जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये विषय ये है कि हम आजाद हुए उसको ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हुए। 75 ईयर्स में हमारे देश में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या नहीं हुए। और हम ब्रिटिशरों के गुलाम थे, उसके पहले मुगलों और आक्रांताओं के गुलाम थे। तो ये हमारे पास कुछ निशानियां रह गई है, तो क्या क्या बदली किया गया, क्या क्या नहीं बदली किया गया, क्यों किया गया, क्यों नहीं किया गया, वो मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूँ। 1947 में आजाद हुए तो जनरल परसेप्शन ये था कि हम आजाद हुए, लेकिन पुष्पेंद्र कुरुक्षेत्र जैसे कोई लोगों को माने हैं तो बोलते थे वो तो ट्रांसफर ऑफ पावर था, एक डोमिनियन स्टेट का हमको दर्जा मिला था। भारत ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेट था। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट क्वीन रहती है और आपके पास कोई इतने बड़े अधिकार नहीं रहते जो एक स्वतंत्र राष्ट्र के पास होते थे। एनीवे, तो वो बात पे अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो गुलामी की कितनी कितनी निशानी थी और कैसे दूर गई। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा पहला नंबर के एबाइड विथ मी, वो क्वीन एलिजाबेथ टू जब भी था शादी उसका, तो उसके साथ ये गाना गाया जा रहा है। वो हमारे भारत में गाया गया 1950 से लेके 2022 तक, हमारी आज़ादी की जो परेड होती थी 26 जनवरी को दूसरे बड़े प्रसंगों पर, तो ये गाना बजाया जा रहा है। हमारे क्वीन के साथ क्या रह गया, हमारा कुछ भी नहीं रह गया। हाँ, हम तो आजाद मुल्क है, हम आजाद राष्ट्र है, तो हमारा आजादी। तो मोदी जी ने ये हटा के 26 जनवरी 2022 में ए मेरे वतन के लोगों बजाया। जब भी गाना बजता था कितना अच्छा लगा, और जब भी ए मेरे वतन के लोगों गाना बजता है किधर भी दुनिया में, तो हम जो राष्ट्रवादी है उनके तो उनमें खुशहाली और ये ग्लानी भी साथ में आती है। खुशहाली इसलिए कि हम सही तरीके से हमारे वीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो ये हटा के कर दिया। तो ये बहुत पहला भारतीय नौसेना, जो हमारी एक सेना के तीन हिस्से होते हैं, भूमिदल, वायुदल और नौकासेना। तो नौकासेना का जो एक सिंबल होता है पताका होती है, पताके में चर्च का क्रॉस हुआ है। ये चर्च का क्रॉस मोदी जी ने हटवा के उधर हमारा राष्ट्रीय जो अष्टकोण एक ढाल है उसको लगाया, और इसके नीचे नौसेना का आदर्श वाक्य है सम नो वर्ण, जिसका अर्थ है समुद्र देवता के वर्ण हमारे लिए शुभ हो। और राष्ट्रीय प्रतीक चारों ओर सुंदर सीमा चत्रों के शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरित है। और शिवाजी महाराज की जो नौसेना थी उस टाइम की, बहुत पावरफुल नौसेना थी। उनके सेनापति थे कान्होजी आंग्रे, वो बहुत हमारे जो दरिया था कंट्रोल करते थे, ये चाचिया थे, पायरेट थे, उनसे हमें आजाद रखते थे, और बाहर के आक्रमणकारियों के सामने भी वो बहुत जोर से लड़ते थे। तो वो लगाया गया, ये मोदी जी ने हटाया। नंबर तीन, जो राजपथ हुआ करता था दिल्ली में, बड़े लोग चाव से बोलते थे राजपथ। राजपथ क्या है? राजपथ का अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाए तो किंग्सवे। किंग्सवे क्यों? तो पंचम जोश जब भी इधर आया था तो मेरे ख्याल से उसको ऑनर करने के लिए ये रास्ते का नाम किंग्सवे रखा गया था। फिर आजादी के बाद उसका ट्रांसलेट करके राजपथ रखा गया। हम तो प्रजातंत्र देश है, राज के साथ हमारा कोई महत्व नहीं, और मतलब नहीं है अभी, तो हम क्यों राजपथ रखे? तो मोदी जी ने वो बदल के राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया, क्योंकि जो आज की तारीख में डेमोक्रेसी में तो जो सरकारें होती है, प्राइम मिनिस्टर होते, प्रेसिडेंट होते, वो सब जनता के सेवक है, तो उसका कर्तव्य करते हैं, तो कर्तव्य करने के लिए रास्ते का नाम कर्तव्य पथ रखा गया। चौथा, इंडिया गेट पे आज जो सुभाष चंद्र बोस की आप प्रतिमा देख रहे थे, हम देख रहे हो, सभी नहीं देख रहे थे, देख रहे हो, तो वो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई जी और मोदी गवर्नमेंट द्वारा। 1968 तक तो उधर पंचम जोश की मूर्ति रहा करती थी, वो 1968 में हटा दी गई और उसकी जगह में ज्योति जलती थी। फिर मोदी जी ने वो ज्योति की जगह में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, 28 फुट लंबी प्रतिमा लगा दी। धन्यवाद मोदी जी आपका, और सुभाष चंद्र जी को सही मायने में, मैंने एक्चुअली तो उसको जो ऑनर मिलना चाहिए मिला ही नहीं कभी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वही अपने देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। आजाद हिंद फौज की सेना की थी, उसने अपना ध्वज बनाया था, सबकी करेंसी थी सब, लेकिन नेहरू जी के पॉलिटिक्स के चलते हुए उनको इतना इम्पोर्टेंट कुछ दिया नहीं गया, लेकिन अभी उनको मिल रहा है, धन्यवाद। 2019 तक हमारा जो बजट आता था तो बजट ब्रीफकेश में, जो ब्रिटिशर गुलामी की निशानी थी, वो ब्रीफकेश में लिया जाता था, लाया जाता था और ब्रीफकेश खोल के बजट पेश किया जाता था। भला हो मोदी जी का और निर्मला सीतारामन जी का, निर्मला सीतारामन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, ये दफा वो बजट लेके आई तो उसने वही खाता में लेके आई, वही खाता जो हमारी भारतीयता की निशानी है। अंडमान निकोबार हमारे बहुत महत्व के आइलैंड है, वो कई सालों से हमारे पास है,
तो उसमें तीन द्वीप थे, तीन द्वीप के नाम थे अंग्रेजों के से कोई कमांडर थे, कोई सेनापति था, कोई क्या था उसके नाम पे था, तो उसके नाम पे रखा गया था। मोदी जी ने वो बदल के एक रोस आइलैंड था उसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम से बोस आइलैंड रखा गया। दूसरा आइलैंड था जनरल जेम्स मिल के नाम पर रखा गया था तो उसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया। और तीसरा आइलैंड था हेवलॉक द्वीप, हेवलॉक द्वीप एक ब्रिटिश जनरल था हेनरी हेवलॉक उसके नाम पर रखा गया था, अब वो स्वराज द्वीप कहा जाता है। तो ये तीनों आइलैंड को अभी हमारी पहचान दी गई है। इसके साथ मैं मोदी जी को इधर एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दिल्ली में बहुत से अगत्य के रोड है उसके नाम मुगलों के नाम पे है, तो वो कभी आप बदली करके भारतीयों के नाम रखेंगे। और सबसे ज्यादा तो मुझे ये बाबर, तैमूर, लोदी, औरंगजेब वो सब दर्द करते हैं, वो आक्रांता थे, उसने हमारा तो भला किया ही नहीं, हमारे कितने करोड़ों लोगों को मार डाला और धर्मांतर करवाया बड़ जबरी, तो वो आप कभी कर रहे हैं मोदी जी, सुनिए और जल्दी करिए प्लीज। दीक्षांत समारोह यानी जो हमारे स्टूडेंट है, हमारे राष्ट्र का भविष्य है, उसका जब भी ग्रेजुएट सेरेमनी होता था यानी ग्रेजुएट होने के बाद उसको एक पदवी दी जाती थी, तभी उनको ये ब्रिटिशरों की निशानी टोपी एक पर्टिकुलर शेप की टोपी होती है वो पहनाई जाती थी और गाउन पहनाया जाता था। आज उसकी जगह बदल के हमारा भारतीय पोशाक में वो पदवीधान हो रहा है और बहुत सी UGC और यूनिवर्सिटी की जब भी होती है तो पदवीधान समारोह में भारतीय पोशाक में दी जाती है। अभी ब्रिटिश पोशाक निकलने लगा या ऑलमोस्ट निकल गया ऐसा समझिए। तो ये सब के लिए मोदी जी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपने अच्छा काम किया है। इसके साथ मेरी एक दूसरी रिक्वेस्ट है, लास्ट में अगर आप कर सकेंगे तो आप तो आई मीन तो आप तो कैपेबल है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अभी क्या मोदी जी मैं बोलूँ आपको, तो अभी हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं किधर भी तो गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, व्हाट्सएप ऐसा सब बोलते हैं, तो उसकी जगह में अगर हम लोग जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय या जय हिंद बोले तो कितना अच्छा लगेगा। मैं तो कोशिश करता हूँ कि यही जय श्री कृष्णा या जय श्री राम से शुरुआत करें मेरा दिन हो रहे भी हो जाए। कभी कभी मैं बोलता हूँ तो कोई से लोग होते हैं उनको मैं थोड़ा पागल या कोई भी धार्मिक व्यक्ति दिखता हूँ तो मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने जय श्री राम या जय श्री कृष्णा चालू रखूँगा, जय भारत माता की जय। वैसे भी हमारे आर्मी वाले एक दूसरे को मिलते हैं तो जय हिंद के नाम से ग्रीट करते हैं ना, तो हमें भी तो करना चाहिए। और मोदी जी दूसरा एक क्लास में भले वो गुलामी की निशानी नहीं था लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत अच्छी निशानी है कि योगा को आपने विश्व प्रसिद्ध किया, पूरे विश्व में आज योगा किया जाता है। तो ये सब के लिए मोदी जी आपका धन्यवाद। 2024 में मेरे ख्याल से आप 400 सीट तो पार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि 350 तो आप पहुँच जाएंगे। तो आपका खूब खूब धन्यवाद मोदी जी ये सब करने के लिए, भारत का गौरव धीरे धीरे आप वापिस लेके आ रहे हैं। मित्रों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, पसंद आए तो उसको शेयर करना, लाइक करना, दूसरे लोगों को बताना इसके बारे में। इसमें हम जितनी भारत माता की सनातन की सेवा कर सके इतनी हमें सबको करनी चाहिए।